नमस्कार, मैं हूँ गरिमा। स्वागत है आपका आज के शो में। इस समय हमारे साथ है जाने माने ज्योतिष आचार्य, वास्तु आचार्य श्री अनिल चतुर्वेदी जी, जो हमें ज्योतिष और वास्तु की कुछ साधारण सी टिप्स बताएंगे जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी साबित होंगी। नमस्कार अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद आपको हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। अनिल जी, बताइए हमारे दर्शकों को कि वास्तु और ज्योतिष क्या है और इनका दैनिक जीवन में हमारा कैसे प्रभाव पड़ता है। देखिए, वास्तु और ज्योतिष हमारी जिंदगी का एक अभिन्न पार्ट है। अगर हम अपनी मिथोलॉजी को लेकर के चलते हैं तो जो नौ ग्रह हमारे ज्योतिष में होते हैं वो हमारी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं। ज्योतिष के प्रभाव के बारे में जैसे कि आप पूछती हैं, ज्योतिष में हमारे जो नौ ग्रह होते हैं उन नौ ग्रहों का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। कई बार लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये प्रभाव किस तरह से पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 3/4 पानी है। समुद्र में हाई टाइड आती है पूर्णमासी के दिन, वो भी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्सेस से होती है। जब सूर्य और चंद्रमा एक लाइन में आते हैं तो पानी काफ़ी ऊंचाई तक उठ जाता है। इसी तरीके से जो हमारा पानी है, हमारी बॉडी का पानी है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये नौ ग्रहों के जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं ये इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं। और कहीं ना कहीं जो ज्योतिष है उसमें इसी का अध्ययन किया जाता है कि ये नौ ग्रह किस तरीके से हमारे ऊपर असर डाल रहे हैं। क्या ज्योतिष और वास्तु में आपस में बेसिक रिलेशन है? जी हाँ, ज्योतिष और वास्तु का आपस में बेसिक रिलेशन होता है। हमारे जैसे जो नौ ग्रह होते हैं वो किसी भी घर में वो नौ ग्रह नौ जगहों को रिप्रेजेंट करते हैं। आठ हमारी दिशाएं और नवा हमारा जो मध्य स्थान होता है जिसको कि हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, उन पे उन ग्रहों के हिसाब से अलग अलग इम्पैक्ट आते हैं। किसी की भी कुंडली देखने के बाद हम ये बता सकते हैं कि उसके घर में कहाँ पे क्या वास्तु दोष होंगे। इन्हीं वास्तु दोषों के हिसाब से या इन्हीं ग्रहों के दोषों के हिसाब से उसकी लाइफ पे पड़ने वाले इम्पैक्ट, उनकी ग्रोथ, उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है। इस तरीके से ज्योतिष और वास्तु का आपस में एक अभिन्न रिलेशन है। आजकल के लोग जो मकान और फ्लैट बने बनाए ले रहे हैं तो उसमें कुछ वास्तु दोष भी मौजूद रहते हैं जो बाद में पता चलता है, तो बिना तोड़े फोड़े उसको कैसे अपन दूर कर सकते हैं? देखिए, फ्लैट में जो कि हमारे पास चेंज करने के ऑप्शन ना के बराबर होते हैं, तो ये एक जनरल क्वेश्चन है जो लोगों के दिमाग में आता है कि हम अगर तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं तो क्या हम वास्तु सुधार ही नहीं सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। कई बार हम बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों के द्वारा अपने घर के वास्तु को सही कर सकते हैं। जैसे इसमें हमारी पिरामिड थेरेपीज़ हैं, हम पिरामिड लगा करके किसी विशेषज्ञ की मदद से हम वहाँ के वास्तु दोष दूर कर सकते हैं, या क्रिस्टल बॉल्स वगैरह का यूज करके, या फिर हमारा कॉपर ट्रीटमेंट होता है या शीशे लगा करके। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं वास्तु में जिनसे हम इन वास्तु दोषों को बिना तोड़फोड़ किए हुए दूर कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि करने वाला तो ईश्वर है, लेकिन कोई व्यक्ति जैसे ईश्वर को ही समर्पित करके अपने सारे काम करता है तो भी क्या वास्तु और ज्योतिष के चक्कर में पड़ सकता है? क्या उनको मतलब बुरे प्रभाव को घेर सकते हैं? देखिए, हमको पता होता है कि ग्रह कभी भी एक जैसे नहीं चलते हैं। आदमी के लाइफ में बहुत सारी सफलताएं और असफलताएं आती रहती हैं टाइम टू टाइम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं कि एक बहुत सफल व्यक्ति अचानक से प्रॉब्लम में फंस गया। तो यहाँ पर जब हम ईश्वर को मानते हैं तो सिर्फ इतना जरूर हो जाता है कि हमारे जो बुरे दिन हैं वो बहुत जल्दी कट जाते हैं, असफलता ग्रह में बहुत नुकसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम चूँकि कर्म के सिद्धांत को लेकर के चलते हैं तो हमें कर्म तो करने ही पड़ते हैं, हम सब कुछ ईश्वर के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। आप दर्शकों को बताइए कि कोई व्यक्ति लगातार असफल हो रहा है तो सफल होने के लिए क्या करे, कैसे उपाय उसको इससे उपाय दीजिए कि वो आगे अपनी सफलता के लिए आगे हो। देखिए, वैसे तो हमारा सफलता का मूल मंत्र मेहनत है। कोई इंसान जो लगातार मेहनत कर रहा है तो जरूरी तो हमेशा उसे सफलता मिलेगी ही मिलेगी, अभी नहीं तो बाद में। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मेहनत के बाद भी हमको फल नहीं मिल रहे होते हैं। इस विषय में हम दो तरीके से संपर्क कर सकते हैं किसी ज्योतिषी उससे कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह रुकावट डाल रहे हैं, उससे भी काम हो जाता है। या कभी कभी घर के वास्तु के इम्पैक्ट आ रहे होते हैं जो हमारी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, तो यहाँ पर आपको कोई विशेषज्ञ इस मामले में मदद कर सकता है। लेकिन एक जनरल आदमी जहाँ पर कि आपकी अप्रोच नहीं है किसी विशेषज्ञ के पास, तो कोशिश करके आप अपने इष्ट को, जो भी आपके इष्ट हैं, अगर आप उनकी आराधना करते हैं तो आपको लाइफ में निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। आमतौर से जो वास्तु में उपयोग किए जाते हैं उपकरण वो बहुत महंगे आते हैं तो साधारण व्यक्ति नहीं खरीद सकता, तो कैसे वो अपने वास्तु दोष दूर करेगा? देखिए, जरूरी नहीं है
कि हमारे पास जो उपकरण हैं वो हमेशा बहुत महंगे ही हों या हमें बहुत महंगी चीज़ों का यूज़ करना पड़े। कई बार हम बहुत छोटी सी चीज़ें जैसे फिटकरी है या हमारा साबुत नमक है या सेंधा नमक है, इस टाइप की चीज़ों का यूज़ करके या छोटी छोटी विंटचाइम्स का या पिरामिड्स का यूज करके भी हम घर के वास्तु को नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक तरीके की भ्रांति है कि हमेशा बहुत महंगी चीज़ें ही यूज होती हैं वास्तु में, ऐसा कुछ नहीं होता। सर आमतौर पे लोगों को ये नहीं पता रहता है कि कौन सी दिशा का क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब मकान भी अगर खरीदते हैं या फ्लैट लेते हैं तो ये नहीं पता रहता कि किस दिशा में हम कैसा बना है या कैसा क्या है, फिर ये वास्तु दोष उत्पन्न होता है उससे। देखिए चूंकि हमारे घर में 9 ग्रहों के हिसाब से 9 पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमें देखने होते हैं, जैसे हमारा पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये सब तो हम जानते ही हैं, लगभग सारे लोग जानते हैं, बट इन चारों दिशाओं के बीच के जो 4 कोने होते हैं वो हमारा हुआ ईशान, नैऋत्य, वायव्य और आग्नेयपूर्व। ये 4 दिशाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और घर का जो ब्रह्म स्थान सेंटर पॉइंट होता है, ये अलग अलग तरीके से ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें जो चीज़ ध्यान देनी होती है जब कोई नया आदमी घर बनाने जाता है अपना, जब कोई आदमी अपना नया घर बनाने जाता है या कोई फ्लैट खरीदने जाता है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमको ध्यान रखनी चाहिए कि ईशान कोण में, जो कि नॉर्थ और ईस्ट, पूर्व और उत्तर के बीच का कोना होता है, यहाँ पर कोई टॉयलेट या सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। तो जब भी हम कोई घर का नक्शा देखते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हमें मैक्सिमम वास्तु दोषों से बचा लेता है, क्योंकि ये सबसे बड़े वास्तु दोषों में से एक होता है। बाकी सारे वास्तु दोषों की कोई ना कोई रेमेडी होती है, बट इसके पास हमारे पास कोई भी अभी तक कोई बहुत बड़ा इसका सोल्यूशन नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसका हमारे पास कोई भी इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है अभी तक। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे मकान लेते हैं तो किन बेसिकली चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए मकान लेते वक्त हमें थोड़ा सा अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो हम अपने घर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। हमें कुछ खास दिशाओं का ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट दिशा जो हमारी होती है नॉर्थ ईस्ट कहलाती है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोना होता है वो ईशान कोण कहलाता है, जहाँ पर यह अवधारणा है कि वास्तु पुरुष का मुँह वहाँ पर होता है। तो जिस तरीके से हमारे मुंह से कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो हमारी बॉडी बीमार हो जाती है या हुस्पुस्त होती है, वो डिपेंड करती है। इसीलिए ईशान कोण का महत्व सबसे ज़्यादा होता है कि जो भी चीज़ वहाँ से, जो भी चीज़, जो भी एनर्जी अंदर जाएगी वो हमारी पूरी हेल्थ पे, परिवार की ग्रोथ पे, सब पे असर डालती है। ईशान कोण में कभी भी टॉयलेट या सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। ईशान कोण अगर ऊँचा हो बाकी दिशाओं से तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसी तरीके से ये देखा गया है प्रैक्टिकल लाइफ में कि अगर ईशान कोण में कोई टॉयलेट है या सीढ़ियाँ हैं या ईशान कोण में हमारे वास्तु दोष हैं, तो घर के मालिक को आमतौर पे ये देखा गया है कि या तो हार्ट की प्रॉब्लम आती है या न्यूरो से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम उस घर में रहने वाले लोगों को आती ही है। हम अलग अलग दिशाओं को देखते हुए चलें तो जैसे हम नॉर्थ को लेते हैं, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में होने वाला टॉयलेट या सीढ़ियाँ, वहाँ पर भी ये वास्तु दोष होते हैं कि अगर उत्तर दिशा में कोई टॉयलेट हो या सीढ़ियाँ हो या हमारा सेप्टिक टैंक हो तो एक तरीके का वास्तु दोष उत्पन्न करता है और इसका सीधा इफेक्ट हार्ट या न्यूरो पे जाता है ईशान कोण की तरह से ही। अब हम आते हैं ईस्ट की तरफ। अगर पूरब में हमारे कोई वास्तु दोष हैं, पूरब के हमारे जो वास्तु दोष होते हैं वो आमतौर पर यही होते हैं जो कि ईशान और उत्तर में आते हैं। अगर हमारी सीढ़ियाँ हैं या हमारा वहाँ पर कोई ये ईशान सॉरी अगर वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं या हमारा पूरा ऊंचा है या वहाँ पर टॉयलेट है, तो घर के लोगों को आमतौर पे स्किन की प्रॉब्लम देखी गई है, स्किन की प्रॉब्लम या किसी वजह से किसी तरीके की मानहानि का उनको सामना करना पड़ता है। तो जब भी हम किसी घर का चयन करें तो ध्यान ये रखें कि जो टॉयलेट है हमारा या जो हमारी सीढ़ियाँ हैं वो पूरब में, उत्तर में या ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें जो ध्यान रखना है, अगर घर की रसोई साउथ ईस्ट में होती है जो कि दक्षिण और पूरब के बीच का कोना होता है, तो ये बहुत शुभ मानी जाती है। ये घर के काफ़ी वास्तु दोषों को दूर कर देती है और जहाँ पर भी हमारी साउथ ईस्ट में या जिसको हम आग्नेय कोण कहते हैं वहाँ पर रसोई होती है तो घर में कभी किसी तरीके की कमी नहीं आने देती है, उस घर में हमेशा संपन्नता बनी रहती है। लेकिन अगर साउथ ईस्ट से रिलेटेड दोष हैं, जैसे हमारा आग्नेय कोण में हम पानी रख दें या कोई बोरिंग कर लें, तो आमतौर पर देखा गया है कि बीपी, शुगर या डिप्रेशन की प्रॉब्लम उस घर की महिलाओं को रहती ही है। हमको हर दिशा का बेसिक ध्यान ऐसे ही रखना पड़ता है। ये बहुत जो 4 दिशाएं हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, बाकी की 4 दिशाओं को भी हमें ऐसे ही ध्यान रखना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी।
आपने जो इतनी सारी टिप्स बताई हैं, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई है, वो हमारे दर्शकों को उनके जो लाइफ में है अच्छे काम ही आएंगी। एक बार पुनः आपका मैं धन्यवाद करती हूँ।